पूर्वी ब्यूटेन फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे छठ पूजा 2023 में कब है, पूजा की डेट और शुभ मुहूर्त। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शास्त्रों में छठ पर्व की विशेष मान्यता है। छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का त्यौहार दीपावली के 6 दिन बाद आता है, जो 4 दिनों तक चलता है। विशेषकर यह पर्व सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा के दिन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा कर उन्हें अर्घ देने का विधान है। तो आइए जानते हैं कि साल 2023 में छठ पर्व का शुभ तिथि, पूजा एवं अर्घ देने का शुभ मुहूर्त, विधि और इस व्रत के नियम क्या है। छठ पूजा तिथि व शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। साल 2023 में छठ पूजा का पर्व 19 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। छठ पूजा के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:46 पर, छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:26। षष्ठी तिथि आरंभ होगी 18 नवंबर सुबह 9:18 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर सुबह 7:23 पर। नहाए खाए तिथि होगी 17 नवंबर शुक्रवार के दिन। खरना तिथि होगी 18 नवंबर शनिवार के दिन। खरना तिथि आपको बताया, संध्या अर्ध होगा 19 नवंबर रविवार के दिन। उगते सूर्य को अर्ध और व्रत का पारण होगा 20 नवंबर को। तो ये तिथियां, इस दिन ही छठ मैया की पूजा की जाएगी। पहला दिन नहाए खाएं। छठ पर्व चार दिनों तक चलता है। इस बार चार दिवसीय उत्सव भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होकर के कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को इसका समापन किया जाता है। नहाए खाए छठ पूजा की पहला दिन होता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है, सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2023 में छठ पर्व 17 नवंबर शुक्रवार के दिन नहाए खाए के साथ शुरू होगा। दूसरा दिन खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस दिन से ही निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्ध। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्यदेव को अर्ध दिया जाता है। अर्ध देने के लिए बांस की टोकरी में, इसको हम सूप भी बोलते हैं, फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीजों से सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाले व्यक्ति अपने परिवार के साथ शाम के समय भगवान सूर्य को अर्ध देते हैं। सूर्यदेव को जल और दूध का अर्ध देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। चौथा दिन उषाकाल अर्ध। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्ध देने का विधान है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्ध देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्ध दिया जाता है और छठ मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी दिन
व्रत का पारण भी किया जाता है। अभी छठ पूजा के कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, वो नियम आपको पालन करना है। मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा है। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कई रोगी को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस पर्व के चारों दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के नियम के अनुसार व्रत करने वाले और घर के सदस्यों को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजा के लिए बांस से बनी टोकरी या सूप का इस्तेमाल करना शुभ होता है। सूर्यदेव को जल देते समय स्टील या प्लास्टिक बर्तन इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। यहाँ पे विशेष मैं बोलना चाहूँगा, इन चारों दिनों आप सात्विक भोजन करें, शराब गुटखा सिगरेट से आप दूर रहें और किसी दूसरी लड़की या औरत पे स्त्री पे आपकी गलत नज़र नहीं पड़ना चाहिए। तो ये थे नियम जो आपको फॉलो करना है छठ पूजा के समय। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताएं। हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं इस चैनल पे, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भारतीय रितुल्स हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, उन सब की डिटेल्स हम इस चैनल पे रेगुलर अभी हम पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।